विदिशा जिले की शमशाबाद विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए विधानसभा क्षेत्र के ही 3 गांवों की पदयात्रा पर निकले हैं। साथ ही कांग्रेसियों ने किसानों के समर्थन में किसान पदयात्रा के माध्यम से नए कृषि कानूनों का अनूठा विरोध किया। अलग अलग गांवों से होती हुई किसान यात्रा नटेरन के बस स्टैंड पर सम्पन्न हुई। इस यात्रा में शामिल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ग्राम रावण में रावण बाबा की पूजा अर्चना की, जिसके बाद नटेरन में एक आम सभा का आयोजन भी हुआ। इस किसान यात्रा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विधायक शशांक भार्गव सहित क्षेत्र के कई कांग्रेस नेता और किसान मौजूद थे। किसानों के सम्मान में किसान हमारे 86 दिन से दिल्ली के बॉर्डर बैठे हैं, उनको संबल पहुंचाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में पदयात्रा कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। उसी संबंध में आज यहाँ पदयात्रा थी और हमारी मांग है कि तीनों काले कानूनों को मोदी सरकार तुरंत वापस ले। इसी मांग को लेकर आज हमारा धरना। JSR टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।